आज के हमारे हेलो हेलो इस तरह से टीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक हमारे तमाम मित्रगण साथी, ये पहली बार हम इस तरह का खेल का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखने में बड़ा रोचक है, इतना कम जगह पर इतना छोटा सा मैदान में किस तरह का खेल होगा, ये हमारे लिए तो बहुत मने आश्चर्य का विषय है। फिर भी जो भी हो, आयोजक जो लोग मित्र मंडली जो लोग हैं, इनके टीपीएल के स्वामी विवेकानंद युवा क्लब के तमाम पदाधिकारी साथीगण, हमारे साथ आए हुए राजमहल से पंकज घोष जी, कृष्णा शर्मा जी और बाकी आप सभी पदाधिकारी सम्मानित साथीगण दर्शक, और हमारे जो भी खिलाड़ी हैं, दोनों राजमहल और तीन पहाड़ के लगभग लोकल ही है, इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक खेले, बस यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस तीन पहाड़ रेलवे लेफ्ट हैंड के बॉलर विजय जी स्टेशन एंड से और मस्जिद एंड से बैट्समैन सोनी किड्स के, और इसी साथ बहुत अच्छी गए और चार रन बैठो खिलाड़ी और दर्शकों का उत्साह देख से ऐसा लग रहा है कि ठंड के मौसम में फील्ड में गर्माहट से आने लगे। इसी बीच बहुत ही सुंदर बॉलों का प्रयोग करके आउट जबरदस्त वापसी किए वहां पे राजस्थान से उसके कैप्टन विजय जी ने, लगातार दो चौके, एक बैट एक पैर का उपयोग करके एक बार विकेट लेने के पश्चात अजब उत्साह दिखाया उन्होंने। राजमहल सोनी गेट्स राजमहल सोनी गेट्स की टीम है, अलग अलग राजमहल का उत्साह के प्लेयरों में देखने को मिल रहा है। अंपायर जो की नगर को बनाए हुए हैं, इसी बीच हल्का सा साफ करके भी ट्रेन के लिए राजा जी बैटिंग करेंगे। बॉलर ने
महापौर जी, एक ओवर के बाद 11 रन एक विकेट राजा जी बैटिंग पर क्रिएटिविटी दिखाते हैं। हल्के हाथों से खेलकर सिंगल बनाया और बेस्ट स्ट्राइक को चेंज किया। अम्मा मूव जी दूसरा बॉल लेकर बॉलिंग के लिए तैयार है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखने में मजा आ रहा है। इसी बीच व्हाइट कमिंग है, अगली बॉल लेकर महफूज चार रन इस टीम ने लगाकर सभी दर्शक बाउंड्री लाइन से बाहर रहेंगे। सभी दर्शक बाउंड्री लाइन से बाहर रहेंगे। 16 हाँ 17 वाइड हल्के हाथों से खेलते सिंगल मात्र स्ट्राइक चेंज करते हैं। जबरदस्त अपील लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजारा यहाँ पर सुजीत जी के द्वारा। बब्बन जी लेग अंपायर में अपने नजर को बनाए हुए राजा जी बैटिंग पर महफूज बॉल लेकर और इसी के साथ हल्के हाथों से करके फ्री स्ट्राइक ले जा रहा है सिंगल अंपायर की। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मैच में एक अलग ही दृष्टिकोण आता है। सौरभ के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जहाँ 4 रन होने आते वहां पर 1 रन लिया, 3 रन तो अपने टीम के लिए बचाया। और इसी बीच विजय जी के द्वारा अच्छी फील्डिंग। मित्रों मैं बताना चाहूंगा जो टीपीएल का आयोजन हो रहा है वो पूरे देश दुनिया में NJTV ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर देखा जा रहा है। आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें और देखें लाइव मैच का प्रसारण। फील्ड में खिलाड़ियों को साथ देखते ही बन रहा है। इस खेल का प्रसारण NJTV यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक रन लेकर स्ट्राइक बदले सौरभ सिंह अगले बॉल के साथ राजा जी बैटिंग पर। और हल्का आकर्षण का एक रन जबरदस्त अपील सीधे उलट आ गया रन आउट तैयार। मोहन मनीष बॉल के लिए साथ राजमल लाइन्स के लिए। इसी बीच फील्ड का परिवर्तन और हल्के हाथों से खेलकर चतुराई का यहां पर अपने दिखाते हैं राजा ने। यहां पर कैच छूटा लेकिन अच्छी फील्डिंग निश्चित ही इन्होंने 4 रन बचाया अपने टीम के लिए। विजय जी ने और ये बात बहुत खराब बॉल का मुजाहरा 4 रन सॉरी 5 रन दिलीप जी कितना रन अब स्कोर 31 रन 5 रन। अच्छा शॉट आगे बढ़कर ड्राइव के उन्होंने मैदान की तरफ लेकिन सीधे फिंगर के हाथों में हल्के हाथों से खेलते 4 रन खेलकर अच्छा बैटिंग का मजा आया यहाँ पर खेल किसके द्वारा। और इसी बीच इस कैच को देखकर गाबा का मैदान याद आ गया। तीन ओवर के बाद 4 ओवर के बाद 37 रन बॉलर नेम अपने दूसरे ओवर लेकर मैदान पर आ चुके हैं।
सिंह सीधे मनीष के हाथ में एक रन के लिए। मतलब 5 रन इस बॉल पे प्राप्त किए, 5 रन। मैं 44 रन इस 5 रन के साथ ही 44 रन का स्कोर हो चुका है। अग्रसर पर है इसी भी सुंदर शॉट 1 रन के साथ। दिख रहा है गेंदबाज के द्वारा वापसी, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन। और इसके बीच स्कोर ले लिया तो इस फील्डरों का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने का एक परिणाम रहा। गजब की रफ्तार में आ चुके हैं सोने के सेकंड में, रन जैसे लगातार बनते जा रहे हैं। चुराने माहिर है, फिर से हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लिया इन्होंने। जबरदस्त बैटिंग सोनी क्रिक्स अकेडमी के द्वारा, बेहतरीन नाइस द्वारा बैटिंग किया जा रहा है। यहाँ पर टॉप गियर में बल्लेबाजी चल रही है सोनी क्रिक्स अकेडमी का। राजा जी इसको लीड कर रहे हैं और इसी बीच जबरदस्त पवन से एंडी क्लार्क को जबरदस्त ओवर 62 रन। मास्टर साहब के टीम ने कमाल कर दिया, 62 रनों का स्कोर बनाकर सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टीम मैच बन गई है। राजमहल लंस की टीम तैयार है 63 रनों को चेस करने के लिए, 63। और आनंद बॉल लेकर तैयार है उस रन को डिफेंड करने के लिए। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इसी बीच अंपायर के द्वारा खेल को बढ़ाने के इशारा, पहली बॉल के साथ आनंद सुंदर शॉट, 4 रन। फुल लेंथ की बॉल उन्होंने लगाव की तरफ खेल दिया, ग्राउंड शॉट 4 रन। लायंस जिस तरह का नाम है लगता है उसी तरह का सुना था। अच्छी किपिंग कम हो जा रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने 4 रन बचा अपने टीम के लिए। होल्ड कर दिया उन्होंने, होल्ड कर दिया। Thank you.
दोनों टीम के खिलाड़ियों से आग्रह है काफी लंबा स्कोर है 63 रन बनाने हैं सोनी क्रिस्ट एकेडमी को राजबाग लाइन्स को और एक विकेट का नुकसान हो चुका है क्या हुआ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार अंपायर अपनी जगह पर सुरक्षित जो भी खिलाड़ी या दर्शक अंदर हैं पीछे आ जाए लाइन के बहुत ही अच्छी गेंद हाथों से टकराने दिया एक रन से नहीं रोक पाए कुल रनों की संख्या 5 अच्छी गेंद पट्टी भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे कोई नुकसान नहीं कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं स्कोर अभी भी 5 अच्छी गेंद बाहर निकलकर ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे कोई रन नहीं काफी रोमांचक स्थिति पर जाने वाली है ये मैच दोनों ही टीम बराबरी सिक्के पर अच्छी गेंद शरीर से टकराया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए 6 रन कुल रनों की संख्या दूसरा ओवर जारी है अच्छी गेंद पैरों से टकराई लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए कुल रनों की संख्या 7 आप सभी दर्शक और खिलाड़ी बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की तरफ वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा एक रन और बढ़ता हुआ कुल रनों की संख्या 8 बॉलिंग के लिए तैयार हुए अच्छी गेंद पट्टी भी गेंद लपेट कर खेलना चाह रहे थे शरीर से टकराया एक रन और इजाफा 9 रन कुल रनों की संख्या 9 हमारे साथी स्कोरर संदीप जी अच्छी गेंद अच्छा ड्राइव अच्छी फील्डिंग लेकिन एक रन अंपायर का इशारा नॉट आउट एक एक खिलाड़ी 7,000 में बिकी है फिलहाल तैयार अच्छी गेंद एक और रन कुल रनों की संख्या 11 पक्की हुई गेंद खतरा हो सकता था लेकिन नाकाम रहे एक और रनों में इजाफा कुल रनों की संख्या 12 पटकी हुई गेंद फील्डर मौजूद है एक और रन लगातार रनों की संख्या बढ़ती हुई 13 रन पे पहुंच गई है राजमल सुपर लाइन पटकी हुई गेंद वाइड का इशारा और फोर 5 रन रनों की गति बढ़ती हुई 17 रन पर पहुंच गई 13 5 18 और देखने हैं अंपायर की कड़ी निगाह है अपील जोरदार है फील्डर भी गिरी है बैट्समैन भी गिरे हैं नॉट आउट अच्छी गेंद अच्छी फील्डिंग एक और रन 20 रन कुल स्कोर 3 ओवर जारी बैट्समैन तैयार बैठी बैठी आप बैठी तो पटकी भी गेंद फिट काफी तेज तरार स्टेज पर छलांग लगाती हुई गेंद निकल गई 5 रन मिले हैं विकेट कीपर के दस्तानों से छटक कर गई थी और इस बार कड़े पावर का शॉट और डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर केवलियन के बाहर खिलाड़ी भी जाते हुए 25 रन पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे और कामयाब लेने वाले को 100 रुपए का इनाम है निर्मल स्वीट्स भंडार की तरफ से अच्छी बाउंड्री खूबसूरत शॉट
चौके में तब्दील किया 34 रन। पांचवा ओवर चल रहा है, 34 रन हो गए हैं। अच्छी गेंद, एक रन छुड़ाने में कामयाब, दो रन की कोशिश लेकिन नाकाम। कुल रनों की संख्या 35, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्के बल्ले से एक रन छुड़ा दिए। कुल रनों की संख्या 36। अच्छी गेंद थी, एक रन चुराने में कामयाब, 37 रन। विकेट कीपर के दस्तानों पे कोई रन नहीं। कुल रनों की संख्या 5 ओवर की समाप्ति पे हमारे साथी स्कोरर संदीप जी बताएंगे। 38 रन देखना है इस एक बचे एक ओवर में, काफी रन बनाने हैं। सोनी एकेडमी लगभग मैच अपनी झोली में ला चुकी है, लेकिन आगे देखना है। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। कुल रनों की संख्या 42। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग। एक 4 को 1 में तब्दील किया, एक ही रन लेने दिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए। अच्छा, एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुल रनों की संख्या 51। लगातार चौके की बरसात हो रही है। एम एस राइडर्स और ए बी रॉयल्स भूमिया दोनों टीम के कप्तान तैयार रहेंगे इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है। हवा में गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट थी, लेकिन कितनी सुंदर कैच, लॉन्ग ऑन पर ड्राइव लगाकर बहुत ही सुंदर। लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट, 100 रुपए का इनाम। निर्मल स्विस स्टेट ड्राइव, 4 रन। रनों की बरसात हो गई आखिरी ओवर में। काश कि यह पहले से हुआ होता तो मैच झोली में हुआ होता, लेकिन सोनी एकेडमी जीत हासिल करते हुए और दोनों टीम के कप्तान मैदान पे तुरंत आ जाए, जरा भी देर नहीं। एमएस राइडर्स